नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC के द्वारा कल रात में ही एक नोटिफिकेशन निकाला गया था SSC MTS को लेकर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आएगा और ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही है SSC MTS के लिए जो नोटिफिकेशन निकलने वाला था, वो है जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ बदलाव हुआ है इस साल, जो सारा चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएँ हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, नोटिस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी टास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी MTS के लिए, साथ ही साथ हवलदार का एक नया पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। तो हवलदार जो कि सिविक और CBN के अंतर्गत आता है, इसके लिए पोस्ट है। यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ के साथ साथ हवलदार का पोस्ट को भी इसमें ऐड कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया है 2021 के एग्ज़ाम के लिए, 2021-22 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कुछ खास डेट्स जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आप जो है ऑनलाइन कर लेंगे, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 30 अप्रैल तक ही आपका लास्ट डेट है। यानी 30 अप्रैल तक आपको सारा प्रोसेस, ऑनलाइन का सारा प्रोसेस कर लेना है। ऑनलाइन करने के लिए आपको जाना होगा SSC के ऑफिशियल साइट पे, यानी SSC.NIC.IN गूगल में सर्च करके चले जाएंगे, वहाँ से आपको ऑनलाइन करना होगा। नए हैं तो एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करा करके फिर आगे अप्लाई करना होगा। इसी में बता दिया गया कि आप फ़ी जो पेमेंट कर पाएंगे वो 2 मई तक कर पाएंगे फ़ी पेमेंट। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिजनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान आप 3 मई तक ऑफलाइन चलान के थ्रू से भी पे कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बैंक तो 4 मई तक होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ख़ास चीज़ का बात करें कि अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म फिलअप करते हुए कोई चीज़ गलत भर देते हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक कोई स्पेलिंग वगैरह गलती हो जाता है, तो डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये आपका 5 मई 2022 से लेकर 9 मई 2022 के बीच आप फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे अगर आप बाय मिस्टेक कोई गलत चीज़ भर देते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम के बारे में। तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी पेपर 1 जो होगा वो जुलाई माह में होगा। इसका एग्जैक्ट डेट अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे इसका एग्जैक्ट डेट घोषित हो जाए। ठीक है, जून महीने में इसका एग्जैक्ट डेट घोषित हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि डेट ऑफ पेपर 2 एग्ज़ाम यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो यहाँ पे बताया गया टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी बाद में आपको सूचित किया कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है। अब अगर बात करें कि SSC MTS में जो नया पोस्ट एक इसमें ऐड किया गया है हवलदार का, तो ये हवलदार किसके अंतर्गत आता है, तो सिविक और CBN के अंदर आता है। अब सिविक का फुल फॉर्म होता है नॉन, ये जो होता है ना, ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंतर्गत आता है हवलदार के पोस्ट। और इसके अलावा आपका CBN यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर, तो यहाँ पे देखिए MTS में क्या वैकेंसी है इसका भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हवलदार का जो होगा इसमें रिक्रूटमेंट जो होगा सिविक और CBN में,
उसमें बता दिया गया कि 3603 पोस्ट है हवलदार के लिए, ठीक है, 3603 पोस्ट, तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है हवलदार के लिए। और एमटीएस में भी लगभग 5000 के आसपास अगर पोस्ट रहता है तो मान के चले कि 8 से 9 हज़ार एमटीएस का वैकेंसी हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन देखते हैं आगे एमटीएस के लिए कितना वैकेंसी रिलीज़ किया जाता है, अभी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एज लिमिट का बात बताया जा रहा है, तो 1 जनवरी 2022 तक आपका एज जो होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया, 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए, और 2 जनवरी 1997 यानी 1997 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 1 जनवरी 2004 से के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इनके बीच होना चाहिए, यानी 1997 से 2004 के बीच आपका डेट है, मतलब बॉर्न आप हुए हैं, जन्म हुआ है, तो आप एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में जाता है, सीबीएन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में भर सकते हैं। लेकिन 18 से 27 साल के लिए भी कुछ कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जिसमें आपका 1995 डेट, 1995 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच मांगा गया है, ठीक है, आपका जन्म तिथि जो हवलदार के लिए होगा, और ये सिविक के अंतर आएगा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू और एंड फेव पोस्ट ऑफ एमटीएस और एमटीएस के कुछ पदों पे, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है, ठीक है, लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा, OBC में अगर आते हैं 3 साल का छूट, PWD अनरिजर्व में 10 साल, PWD OBC में 13 साल, PWD SC ST में 15 साल, एक्स सर्विसमैन में 3 साल, इस तरह से छूट रहने जा रहा है, ठीक है। अब अगर इन पदों के लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन देखें, यानी असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी एक उच्च बोर्ड से, ठीक है, एक ऑथेंटिक बोर्ड से आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ये अनिवार्य कहा गया है। अब बात आता है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको SSC के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, यानी यहाँ पर जा करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई में फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 महीने से पहले, 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं मांगा गया है, ठीक है, ये चीज़ है। इमेज का अगर देखें, फोटोग्राफ का साइज चौड़ाई होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर आपका, और लेंथ आपका होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। दोबारा बता दूं, 30 अप्रैल 2022 तक आप SSC MTS का फॉर्म को और हवलदार के पोस्ट पे जो भी वैकेंसी उसको भर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो 100 रुपये लगेगा, लेकिन जो भी SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन यानी ESM में आते हैं उनके लिए फ़ी के लिए कोई चार्जेस नहीं बताया गया है, ठीक है, कोई फ़ी नहीं लगेगा। चालान के थ्रू से भी आप पे कर सकते हैं अपना पैसा को, UPI, भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इन सब से आप पे कर पाएंगे, ठीक है। जो भी पे करने का टाइम था वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म करेक्शन करना चाहें तो 5 मई 2022 से 9 मई तक कर पाएंगे, ठीक है, 9 मई 2022 तक कर पाएंगे। इसके अलावा सेंटर का बात करें कि आपका सेंटर कहाँ मिलेगा, तो लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही डिजायर्स टू टेक द एग्जामिनेशन, यानी जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे तभी आपको सेंटर चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जहाँ पे आपका सबसे सामने पड़ेगा वो सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा सेंटर है जो सेंट्रल रीजन के अंदर आता है, और ये सारा सेंटर है जो ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है, ठीक है, इस तरह से सारा सेंटर देख सकते हैं कहाँ कौन सा सेंटर रहने वाला है। ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ,
ताकि आप सारा सेंटर देख ले, और सेंटर का कोड भी बता दिया गया है कि क्या उसका सेंटर का कोड रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक मैं लास्ट में आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि नासिक है इस जगह पे, तो नासिक का सेंटर कोड हो गया 7207 और ये वेस्टर्न रीजन के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करें कि अब थोड़ा सा जो है एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें हवलदार का पोस्ट भी ऐड किया गया है, तो थोड़ा सा इसमें प्रभाव पड़ा है इसका एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14.1 में लिखा हुआ है। ठीक है, 14.1 में लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिस तरह MTS में होता है नॉर्मली, जो पेपर वन कहलाता है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे बताया गया कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यानी PAT एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, केवल हवलदार के पोस्ट के लिए होगा। लेकिन पेपर वन जो होगा वो हवलदार और MTS दोनों के लिए होगा, और साथ ही साथ और डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, ये याद रखें। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव। अब एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव होगा, यानी एक ही दिन में हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को भरते हैं, तो इसका एग्ज़ाम थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, 1 महीने तक एग्ज़ाम इसका चलता है। एनी चेंजेस इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अगर किसी प्रकार का एग्ज़ाम में बदलाव होगा तो वेबसाइट के द्वारा ही पता चलेगा, या मैं अपने चैनल के द्वारा बता दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए अति आवश्यक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर वन का बात करें तो पेपर वन देख सकते हैं, पेपर वन यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, मैथ से 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 4 में से 1 ऑप्शन सही आपको टिक करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर वन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। अगर आप पेपर वन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बहुत सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, तो मार्क्स को आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद आपको आंसर की दिया जाएगा, आंसर की के द्वारा आप चेक कर पाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ है। इसके अलावा पेपर टू, इसके बाद जो होगा तो पेपर टू में आपको एक इसमें भी थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, पहले एक ही, या तो आप एक ऐसे लिखते थे यानी निबंध लिखते थे या एक लेटर लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक शॉर्ट ऐसे लिखना होगा और एक लेटर भी लिखना होगा इन इंग्लिश और एनी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में या फिर अंग्रेजी में लिख सकते हैं, एक निबंध और एक लेटर। मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 50 नंबर का होगा, ऐसे में 25 नंबर मिलेगा और लेटर में 25 नंबर मिलेगा। टाइम पहले 30 मिनट हुआ करता था, अब टाइम को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 45 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं, ये जो पेपर होगा वो आपका पेन पेपर मोड में होगा, यानी आपको लिखित परीक्षा देना होगा। साथ ही ये क्वालिफाइंग नेचर को होगा, यानी आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अब अगर सिलेबस का बात करें, जो आपका पेपर वन होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, तो इंग्लिश में आपको ये सब पढ़ना होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेज, ETC, ये सब पढ़ना होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको ये सब पढ़ना होगा, आप चाहें तो कॉपी में इसे लिख सकते हैं। ठीक है,
नंबरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में आपको ये सब पढ़ना होगा और जनरल अवेयरनेस में आपको ये सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, पेपर टू मैंने बता ही दिया कि किसी भी लैंग्वेज में आप जो भी मतलब शेड्यूल 8 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के यानी संविधान के शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेजेस बताए गए हैं ठीक है, उसमें आप पेपर टू का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंडक्ट उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रहा ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, तो मैंने बता दिया कि एमटीएस में आपका फिजिकल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एमटीएस के साथ साथ जो हवलदार का पोस्ट है तो केवल हवलदार के पोस्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीएटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा। ठीक है, और सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी का बात करें तो आपको वॉकिंग करना है 15 मिनट में 1600 मीटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेल के लिए, लेकिन अगर आप फीमेल में हैं तो आपको वॉकिंग करना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आपका और एक होगा साइकिलिंग, साइकिलिंग आपको 30 मिनट में 8 किलोमीटर करना है, और फीमेल के लिए 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिलिंग करना है। ठीक है, लेकिन साइकिलिंग में एक चीज़ यहाँ पे नीचे बताया गया है कि साइकिलिंग इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम में, और डीजीपीएम में आपका जो है डीजीपीएम के पोस्ट पर जो होगा हवलदार के लिए साइकिलिंग नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीएटी के बारे में। आप पीएसटी के बारे में देख लीजिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या बताया गया है। तो द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सेबिक और सीबीएन के लिए आप देख सकते हैं, हाइट आपका मांगा गया है मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रिलैक्स में होना चाहिए, और चेस्ट मांगा गया 76, जबकि फीमेल के लिए हाइट 152, वेट मांगा गया है 48 kg। ठीक है, और साथ ही साथ आपका पीटी और पीएसटी जो होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो सेबिक और सीबीएन के अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग केंद्रों पर इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, पूरे देश भर में, ये याद रखें। एक मुख्य चीज़ बता दूं, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरेंगे तो फोटोग्राफ मांगा जाएगा, फोटोग्राफ को आपको यहाँ से अपलोड करना होगा और आपका अपना जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से अपलोड करना होगा। जो भी इसमें साइज वगैरह है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोटोग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, तो ये आपका एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है, कुछ इस तरह से अच्छी तरह होना चाहिए। ठीक है, आपका इसमें चेहरा बिल्कुल सही ढंग से आना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई अन्य चीज़ नहीं होना चाहिए, दोनों कान आपका दिखना चाहिए। ठीक है, कोई टोपी वगैरह आप नहीं पहन सकते हैं जैसा कि नीचे के फोटोज़ में दिखाया गया, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि केवल चेहरा आ रहा है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, थोड़ा नीचे तक आना चाहिए, इस तरह का एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह का एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये सारा फोटोग्राफ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारा फोटोग्राफ किसी तरह से ये सारा काम नहीं आएगा। एक सही ढंग का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, देखिए ये सब सारा गलत है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था जो मैंने बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने वाले हैं। दोबारा कहना चाहूँगा, हमारे चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।